आइए आज जो है जुडिथ शेक्सपियर का अध्ययन करते हैं, तो जिसके लेखिका हैं वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ ने इस पाठ को लिखा है जुडिथ शेक्सपियर, ठीक। और इस पाठ में है क्या कि लेखिका जो है जुडिथ शेक्सपियर कल्पना करती हैं कि यदि शेक्सपियर की एक बहन होती तो क्या होता, ये कल्पना करती हैं जुडिथ शेक्सपियर कि यदि शेक्सपियर की एक बहन होती तो क्या होता, ठीक है। और जुडिथ लेखिका की काल्पनिक कृति है, काल्पनिक कृति है, रियल सिस्टर नहीं है, काल्पनिक कृति है। वह सोचती है कि काश शेक्सपियर की जुडिथ नामक बहन होती। कौन सोचती है? ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ सोचती है, ठीक है। तब वह अभी उतना ही अनोखी व सृजनात्मक होती जितना स्वयं शेक्सपियर। किंतु लेखिका का यह भी मानना है कि स्त्रियों को अवसर का अभाव होता है, अतः जो वे करना चाहती हैं वे सामान्यतया नहीं कर पाती। इस पाठ में ये सब बातें बताया गया है। और लेखिका को इस पुरुष प्रधान समाज से घृणा भी है। वर्जीनिया वुल्फ को इस पुरुष प्रधान समाज से क्या है? घृणा भी है। अतः वह शेक्सपियर के चरित्र में तमाम बुराइयां देखती हैं। लेखिका के अनुसार पुरुष जंगली तथा असभ्य होते हैं। वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार पुरुष जंगली तथा असभ्य होते हैं। वे जल्दी शादी कर लेते हैं तथा बच्चे पैदा करते हैं, चोरियां करते हैं, घरों से भाग जाते हैं। उनमें स्त्रियों जितना गहन ज्ञान नहीं होता है। सरायों में खाना खाते हैं, आधी रात तक सड़कों पर घूमते हैं। मतलब ये कुछ क्वालिटी जो है शेक्सपियर के अंदर जो है मिल रही है कि मतलब चोरी कर लेते हैं, ठीक है, घरों से भाग जाते हैं, ठीक है, ये सब मतलब कमेंट किए हैं। इसी को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हम पाते हैं कि स्त्रियां घर पर रहती हैं, अध्ययन का प्रयास करती हैं, भाइयों की किताबों को पढ़ती हैं। ये सब मतलब शेक्सपियर के बहन में जो यहाँ काल्पनिक कृति है उसमें बताया जाएगा आपको। अपने माँ बाप की मर्जी से विवाह करती हैं। वे भी अपनी पुत्रियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। वे अपनी पुत्री से विवाह को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रत्येक जगह एक लड़की शोषण का शिकार होती है वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार, ठीक है। उन्हें लड़कों की तरह स्कूल नहीं भेजा जाता। माता पिता उन्हें पढ़ते देखना पसंद नहीं करते हैं। वे अपनी पुत्रियों के साथ मारपीट करते हैं। उन्हें शादी के लिए लालच दिया जाता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर दिया जाता है। जुडिथ को भी अपने जीवन काल में इसी प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आप इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे यानी कि जुडिथ को अपने भाइयों की तुलना में माता पिता की उपेक्षा झेलनी पड़ी। वह अभी पढ़ना चाहती थी, एक अच्छे पुरुष से विवाह करना चाहती थी, मंच पर अभिनय पसंद करना पसंद करती थी तथा कविता करना चाहती थी, किंतु वे उसकी पसंद का कोई भी कार्य करने के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। वे सदैव जो है शोषण का शिकार रही हुआ, यानी शेक्सपियर की जो काल्पनिक बहन यहाँ बताया गया है, ठीक है, जुडिथ। तो विवाह पूर्व उसके माता पिता ने उसका शोषण किया तथा विवाह उपरांत उसके पति तथा संबंधित लोगों ने उसका उपहास उड़ाया तथा शोषण किया। पुजारी तक स्त्रियों के प्रति खराब विचार रखते हैं। उनका मानना है कि एक स्त्री अच्छी उपदेशक कदापि नहीं हो सकती है। जब लड़कियों की भावनाओं को कोई नहीं समझ पाता तो वे निराश हो जाती हैं और उसकी जीने की चाह खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे आत्महत्या को बाध्य हो जाती है, ठीक है। तो ये था इस मतलब कि अबाउट जो है लेसन, इसमें क्या है वो बताएं। अब चलिए इसकी लाइन वाइज लाइन हम व्याख्या देखते हैं। तो देखिए पहली लाइन जो है, लेट मी इमेजिन, कवित्री कहती हैं कि यानी कवित्री नहीं सॉरी लेखिका, ठीक है, कहती हैं वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं लेट मी इमेजिन, मुझे कल्पना करने दो, ठीक है। ये जुडिथ शेक्सपियर काल्पनिक बहन है, शेक्सपियर के नाम रखे हैं ये। तो कह रहा है कि लेट मी इमेजिन, मुझे कल्पना करने दो, सिंस फैक्ट्स आर सो हार्ड, क्योंकि जो है फैक्ट्स माने क्या होता है, तथ्य, ठीक। आर सो हार्ड टू कम बाय, कम बाय माने होता पाना, कुछ पाना या मिलना, हाँ, या प्राप्त करना भी कर सकते हो ये, क्योंकि फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाय, क्योंकि तथ्य को प्राप्त करना बहुत क्या है, मुश्किल है। कौन सा तथ्य? तथ्य मतलब जो कोई सही इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसी को तथ्य कहते हैं। तो लेट मी इमेजिन, मुझे यह कल्पना करने का प्रयास करने दो, सिंस फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाय, सिंस माने क्योंकि या चूंकि तथ्य को प्राप्त करना कठिन है, तथ्यों को प्राप्त करना कठिन है। व्हाट वुड हैव हैपेंड, हैड कि क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड माने कि क्या हुआ होता, ठीक है, मतलब कि हैड शेक्सपियर हैड ए वंडरफुल गिफ्टेड सिस्टर। यहाँ हैड जो है, हैड का मतलब होगा इफ, यदि, क्लियर। हैड शेक्सपियर हैड माने इफ शेक्सपियर हैड, यदि शेक्सपियर के पास होती, ठीक, शेक्सपियर के बाद जो हैड उसका अर्थ पास, इसके पहले वाले का इफ, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में भी हैड का मतलब इफ होता है, कभी कभी हैड आ जाए। हैड शेक्सपियर हैड ए वंडरफुल्ली गिफ्टेड सिस्टर, यदि शेक्सपियर के पास आश्चर्यजनक रूप से
गिफ्टेड सिस्टर माने होता है प्रतिभाशाली बहन, गिफ्टेड माने गुड़ी या प्रतिभाशाली, ठीक, बहन होती है। कार्ड जुडिथ, जिसे जिसे जुडिथ कहा जाता, मतलब जिसका नाम जुडिथ होता। लेट अस से, हमें कहना चाहिए, ठीक है, हमें उसे जुडिथ कहना चाहिए, क्लियर। इनके अनुसार मान लीजिए उसका नाम जुडिथ शेक्सपियर है, ठीक, अगर वो बहन होती तो क्या होता, ऐसी कल्पना करो, ठीक। तो कल्पना करो तो जो बताया आपको स्टोरी वही होगा। देखते हैं आगे। शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट वेरी प्रॉबेबली, शेक्सपियर कह रहे हैं कि स्वयं वेंट वेरी प्रॉबेबली, वेंट माने जाते थे, वेरी प्रॉबेबली माने संभव, बहुत ही संभवता, ठीक है। हिज मदर, ठीक है, हिज मदर वाज एन एक्ट्रेस, ठीक है, उनकी माँ एक वाज एन एयरेस है, इसमें यह साइलेंट है। एयरेस माने होता है उत्तराधिकारी, एयरेस किसके लिए आया, शेक्सपियर की माँ के लिए, क्लियर। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबली माने संभावना है कि उनकी माँ जो है एक क्या थी, उत्तराधिकारी थी। यह कह रहा है कि शेक्सपियर की माँ संभवता क्या थी, संभावना ये प्रकट किया कि वह एक उत्तराधिकारी थी। तो अब यहाँ शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट का कनेक्शन किससे है, टू द ग्रामर स्कूल, क्लियर। वो बीच में फ्रेज आ गया है एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, दो कामा के बीच में फ्रेज रख दिया जाता है। तो शेक्सपियर वेंट हिमसेल्फ वेंट टू ग्रामर स्कूल, इसका अर्थ एक साथ लिया जाएगा, क्लियर। शेक्सपियर जो है स्वयं कहाँ जाते थे, ग्रामर स्कूल में जाते थे पढ़ने, लोकल ग्रामर स्कूल था जब छोटे थे शेक्सपियर, तो उसी में पढ़ने के लिए जाते थे। और संभवतः उनकी माँ क्या थी, उत्तराधिकारी थी, ठीक। और शेक्सपियर पढ़ने जाते थे ग्रामर स्कूल में, वेयर ही मे हैव लर्नड लैटिन, जहाँ पर उन्होंने लैटिन सीखा था। शेक्सपियर ने वहाँ क्या क्या सीखा था, लैटिन सीखा था, ओविड सीखा था, ओविड और वर्जिल को पढ़ा था। ओविड ये सब विद्वान है, वर्जिल है, ठीक ना, अहोरेस, क्लियर, इन सभी विद्वानों के बारे में पढ़ा था, ठीक। एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर एंड लॉजिक, एलिमेंट्स माने तत्वों को उन्होंने पढ़ा था। ग्रामर माने क्या होता है, व्याकरण। लॉजिक माने तर्कशास्त्र, ठीक है, लॉजिक का मतलब क्या है, तर्कशास्त्र, ठीक, तर्कशास्त्र को भी सीखा था। और फिर कह रहे हैं कि ही वाज, इट इज़ वेल नोन, पहले इट इज़ वेल नोन का अर्थ दिया जाएगा। इट इज़ वेल नोन माने यह अच्छे ढंग से जाना जाता है कि ही वाज माने वह थे, क्या थे, ए वाइल्ड बॉय, एक असभ्य लड़के थे। वर्जिनिया वुल्फ क्या कहती हैं, शेक्सपियर कैसे लड़के थे पहले, असभ्य लड़के थे, वाइल्ड माने असभ्य, जंगली भी होता है, जंगली मतलब वही असभ्य। हु पोज्ड रैबिट्स, और इन्होंने क्या चुराया था, रैबिट चुराया था, खरगोश, ठीक, शेक्सपियर ने खरगोश की चोरी किया था। परहैप्स, ठीक है, मतलब कि एक सर थॉमस लूसी हैं, उन्हीं के पार्क से इन्होंने खरगोश को क्या किया था, रैबिट चुराया था, उनके वो यहाँ से डियर चुराए थे, सर थॉमस लूसी के पार्क से, क्लियर, डियर भी चुराए थे, तो जिसका वर्णन कहीं कहीं मिलता है। तो यहाँ आपको बताया क्या गया, वो रैबिट की चोरी किए थे। परहैप्स शॉट ए डियर, देखिए आगे भी अभी क्या है ना, शॉट माने वही मारना, डियर, ठीक है, हिरन को भी मारे थे, मतलब हिरन का भी शिकार किए थे, ठीक, जो हिरन का शिकार किए थे वही सर थॉमस लूसी उनका नाम था, उनके पार्क से ये चुराए थे, ठीक, इनका लाइफ स्केच पढ़ोगे तो खरगोश चुराए थे, हिरन को भी शॉट मतलब मारे थे। एंड हैड रादर सूनर देन ही शुड हैव डन, ठीक है, और वह सूनर, सूनर मतलब जल्दी, देन ही शुड हैव डन, जितना जल्दी उन्हें करना चाहिए, मतलब जितना जल्दी उन्हें करना चाहिए उससे अधिक जल्दी, सुनर मतलब अधिक जल्दी। और टू मैरी ए वुमेन, एक औरत से इन्होंने क्या किया था, शादी भी कर लिया था, इन द नेबरहुड माने पड़ोस में, ठीक है, कहने मतलब जितना जल्दी इनको शादी करना चाहिए, ठीक है, उससे भी अधिक जल्दी पड़ोस में इन्होंने क्या कर लिया था, शादी भी कर लिया था। हु बोर हिम ए चाइल्ड, जो उन्हें बोर माने होता है जन्म देना, बियर माने जन्म देना, सेकंड फॉर्म बोर हो गया, ठीक है, जन्म देना वाला अर्थ लिया जाएगा, क्लियर, सहन करना वाला नहीं, जो उन्हें एक बच्ची को जन्म भी दी थी, रादर मान क्विकर, रादर बल्कि क्विकर माने अधिक जल्दी, देन वाज राइट, जितना कि राइट माने ठीक था, ठीक है, मतलब जितना जल्दी ठीक था उससे अधिक जल्दी वह एक बच्चे को जन्म भी दे दी थी। जल्दी का मतलब ये है कि जैसे बात यह है कि मतलब इनके शादी के आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद इनकी पहली संतान हो गई थी, क्लियर, तो एक हिसाब से एटलीस्ट 9th मंथ बाद होना चाहिए शादी के, हाँ, तो 6 महीने बाद,
तो इसीलिए कहा गया कि जितना जल्दी होना चाहिए उससे जल्दी उसको बच्चे भी। उसमें कारण ये था कि मतलब इनका जो है पहले से उस महिला से क्या था, अफेयर था, क्लियर। तो रिलेशनशिप इनका हो गया था उससे, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप, तो मतलब उस प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तब उसके बाद इन्होंने उससे क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो इसीलिए इनके आफ्टर 6 मंथ पहली संतान हो गई थी, क्लियर। इस तरह से वर्जीनिया वुल्फ जो है शेक्सपियर के करेक्टर में कमियों को क्या कर रही हैं, उजागर की थी, जितने थे चोरी करते थे, ठीक है। तो इनका इस तरह से अफेयर था, संतान इनको पहले पैदा हो गई इसीलिए, क्योंकि शादी की है, क्लियर। इस तरह से भाई ऐसी बात थी तो इनको भाई शादी ही करना पड़ा, जबकि वो इनसे 8 वर्ष जो है सीनियर भी थी, इतना भी जान लो, क्लियर। वो औरत इनसे 8 साल बड़ी थी, ठीक ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर जो है जिससे उनको एक बच्ची पैदा हुई, ठीक है, द लैंडस्केप दैट स्केपेड है, दैट स्केपेड, ठीक, माने क्या होता है, साहसिक कार्य। वह साहसिक कार्य सेंट हिम टू सीक हिज फॉर्च्यून, सेंट हिम माने उन्हें भेज दिया टू सीक फॉर्च्यून, ठीक है। टू सीक फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, सफलता, ठीक है। सीक मतलब होता है खोजना, तलाश करना, फॉर्च्यून माने उसे भाग्य होता है, तो मतलब वही इन लंदन में सफलता को, ठीक है, सफलता की तलाश में, ठीक, मतलब सफल होने की तलाश में, ठीक। और देखिए फॉर्च्यून माने होता है धन, मनी भी होता है, ठीक है। सीक फॉर्च्यून मतलब धन की तलाश में, वो कहाँ चले गए, लंदन में चले गए, मतलब वहाँ पर सफल होने के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है कह रहे हैं कि दिस स्केपेड सेंट हिम टू सीक हिज फॉर्च्यून इन लंदन, यह साहसिक कार्य जो है उन्हें लंदन में जो है सफल होने के लिए जो है लेकर गया, ठीक। अब यहाँ क्या है, स्केपेड साहसिक कार्य, सीक माने तलाश करना भी होता है, फॉर्च्यून माने होता है भाग्य भी होता है, धन भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब वह लंदन में जो है अपने भाग्य को आजमाने की तलाश करने चले गए, ठीक, यानी कि धन कमाने कुल मिला के चले गए, सफल होने के लिए चले गए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते थे। और चोरी भी कुछ लोग कहते हैं चोरी किए थे, तो सर थॉमस लूसी पार्क से, तो मतलब वहाँ कानूनी कार्रवाई होने के नाते ये कुछ दिन के लिए लंदन चले गए। तो वही कह रहे हैं कि दिस स्केपेड या साहसिक कार्य सेंट हिम ने, या साहसिक कार्य उन्हें भेज दिया, मतलब इसी साहसिक कार्य के नाते वो चले गए, ठीक है। सीक हिज फॉर्च्यून इन लंदन, लंदन में अपने भाग्य को, भाग्य की तलाश करने के लिए, मतलब कि सफलता पाने के लिए, ठीक, साहसिक कार्य से सफलता पाने के लिए, ठीक है, अपने भाग्य को बनाने के लिए वो लंदन चले गए। ही हैड इट सीम्ड, उनसे ऐसा लगता था, ए टेस्ट फॉर द थिएटर, कि उनकी रुचि, टेस्ट माने यहाँ रुचि हो गई, थिएटर माने होता रंगमंच, उनसे ऐसा लगता था कि उनकी रुचि किसमें है, रंगमंच में है, ठीक। जैसे नाटक में जो स्टेज, थिएटर मतलब रंगमंच, जहाँ पर नाटक दिखाया जाता है, क्लियर, स्टेज जिसको कहते हैं, रंगमंच पर के लिए है। ही बिगेन टू होल्डिंग हॉर्सेज, फिर वहाँ जब लंदन गए तो क्या करने शुरू करनी, वो अब पहले शुरू कर दिए थे होल्डिंग हॉर्सेज माने घोड़े को पकड़ना, क्लियर। एज द स्टेज डोर माने स्टेज के दरवाजे पर, ठीक है, वह स्टेज के दरवाजे पर जो है रंगमंच के दरवाजे पर, पहले इनको एक्टर नहीं बना दिया गया अभिनेता, ठीक, पहले इनको घोड़ा पकड़ने वाली जिम्मेदारी दे दिया गया या नौकरी दे दिया गया, ठीक। चलो जो लोग घोड़े से आएंगे नाटक वाटक देखने, उनके घोड़े को तुम क्या करोगे, पकड़ोगे, क्लियर। और जो भी मतलब घोड़े से रिलेटेड पकड़ने का काम रहेगा उसको करोगे। वेरी सून, बहुत जल्दी ही गॉट वर्क इन द थिएटर, वह थिएटर में काम भी पा गए, बहुत जल्दी वह थिएटर में काम भी पा गए। बीके में सक्सेसफुल एक्टर, फिर एक सफल अभिनेता बन गए। एंड लिव्ड एट द हब ऑफ यूनिवर्स, और संसार के हब में रहने लगे, हब मतलब केंद्र होता है, धुरी होता है, क्लियर। और हब मतलब धुरी या केंद्र, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड के धुरी में रहने लगे, ब्रह्मांड होता है, मानव जाति होता है, ठीक है, अच्छा समाज होता है, ठीक है, ब्रह्मांड मतलब पूरे ब्रह्मांड में इनका नाम हो गया, मतलब मानव जाति भी होता है, मानव जाति के केंद्र में रहने लगे, ठीक, पूरे समाज में इनका मतलब बोलबाला हो गया। जैसे पहले घोड़ा पकड़ने का काम दिया गया था, ठीक, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ मतलब कि नाटक थे जिसमें इनको एक्टिंग का काम मिल गया, ठीक, जैसे कोई पात्र नहीं आया है तो मतलब मौका था कि इनको मौका मिल गया कि चलिए उसका रोल हम ही कर लेते हैं, मजबूरी में इनको रख लिया गया, लेकिन ये इतना बढ़िया रोल किए कि सबको पसंद आ गया। तो जब पसंद आ गया तो नाटक की कंपनी ने कहा ठीक है, तुम अब चाहो तो अभिनेता का भी काम कर सकते हो, घोड़े पकड़ने वाला काम छोड़ दो।
मतलब इनका कुल मिला के प्रमोशन हो गया अच्छे अच्छा एक्टिंग करने के लिए, क्लियर, नहीं तो इनको उतना बढ़िया पद दिया नहीं गया था। ठीक, तो ये अपने मतलब योग्यता के अनुसार थोड़ा सा अपना दिखाए पहली बार प्रदर्शन किए तो अच्छा किए, अब नाटक में तो एक्टिंग किए तो इनको उसमें बढ़िया काम मिल गया, अभिनेता का मिल गया। ठीक है, तुम अभिनेता का ही रोल कर किया करो, काम को छोड़ो। तो फिर उसके बाद अभिनेता का काम करने लगे तो जैसे, और फिर बाद में इनको खुद ही मिल गया, नाटक भी लिखने लगे। ठीक, लेखन का भी काम करने लगे। जैसे मैकबेथ में जो राजा डंकन की सीन है वो शेक्सपियर ने, ठीक, शेक्सपियर ने वो रोल किया था। ठीक, और हैमलेट में जो घोस्ट का रोल इन्होंने किया था, ठीक, जो हैमलेट के फादर की मृत्यु हुई थी। ठीक, इस तरह से ये रोल भी करते थे कुछ नाटकों में। ठीक, आगे है मीटिंग एवरीबॉडी, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से ये मिलते थे, नोइंग एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को जानते भी थे, मीटिंग एवरीबॉडी नोइंग एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते थे ये जानते थे। ठीक है, और कह रहा है कि प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट ऑन द बोर्ड्स, और अपने प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट, अपने कला का प्रैक्टिस माने अभ्यास भी करते थे, ऑन द बोर्ड्स माने बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर जाके, बोर्ड पर जैसे भाई रंगमंच होता है, जो तख्ता लगाना भी होता है, ठीक है, रंगमंच पर जाकर जो है क्या करते थे, अपनी कला का अभ्यास भी करते थे। यहाँ बोर्ड मतलब वही रंगमंच स्टेज से है। ठीक, एक्सरसाइजिंग हिज विट्स, अपने बुद्धि का एक्सरसाइजिंग माने यूज करना, प्रयोग करना, और अपनी बुद्धि का ये इस्तेमाल करते थे इन द, ठीक है, स्ट्रीट्स, इन द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में जाके, गली भी होता है सड़क भी होता है स्ट्रीट्स माने, ठीक है, तो सड़कों पर जाकर या गलियों में जाकर अपनी बुद्धि का क्या करते थे, बिट्स माने बुद्धि या बुद्धिमत्ता का उपयोग करते थे। एंड इवन, और यहाँ तक कि गेटिंग एक्सेस, ठीक है, गेटिंग एक्सेस माने होता है रास्ता पाना, टू द पैलेस माने होता महल ऑफ द क्वीन, रानी के, और यहाँ तक कि ये रानी के महल तक भी मतलब पहुँचने का रास्ता पा गए। क्लियर, एक्सेस माने होता पहुँच, गेटिंग माने प्राप्त करना, मतलब रानी के पैलेस माने महल तक इनकी पहुंच हो गई। क्लियर, कहने का मतलब यह है रानी जो एलिजाबेथ उस समय की शासन करती थी उनका ये बहुत खास हो गए। ठीक है, अपने मतलब की अभिनय के द्वारा। मीन वाइल माने ठीक उसी समय के दौरान, द हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्टेड सिस्टर, उनकी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बहन, लेट अस सपोज, आओ कल्पना करें, या हमें कल्पना करना चाहिए, रिमेंड एट होम, वह घर पर ही रहे। ठीक, उसी समय के दौरान उनकी कल्पना सालिबान, प्रतिभा सालिबान घर पर ही जो रहती थी, सिवाज एज एडवेंचरस, वह उतना ही एडवेंचरस माने साहसिक कार्य करने वाली थी, एज इमेजिनेटिव उतना ही काल्पनिक थी, एज एगाग, ठीक है, एगाग माने होता है इच्छुक, ठीक है, और इच्छुक या उत्सुक कह दो, एगाग माने उत्सुक या इच्छुक, ठीक है, उत्सुक ईगर जिसको कहते हो, उतना ही उत्सुक थे टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए आज ही बात जितना की बात है, मतलब इनकी बहन भी उतना ही उत्सुक थी संसार को देखने के लिए जितना की यह थे कि बाहरी संसार में अपना, ठीक है, रंगमंच पर प्रदर्शन करने के लिए। फिर कह रहा है कि बट सी वाज नॉट सेंट टू स्कूल, लेकिन उसे स्कूल नहीं भेजा गया, शेक्सपियर की बहन को स्कूल नहीं भेजा गया, जो बता रहे हैं इसमें जुड़ित, ठीक है, काल्पनिक बहन माना गया, उसे स्कूल नहीं भेजा गया, सी हैड नो चांस ऑफ लर्निंग ग्रामर एंड लॉजिक, उसे ग्रामर और लॉजिक माने तर्कशास्त्र सीखने का कोई मौका नहीं दिया गया। ठीक, लेट एलोन रीडिंग होरेस एंड वर्जिन, होरेस और वर्जिन को पढ़ना तो दूर की बात है, कि लेट एलोन का मतलब होता है तो दूर की बात है। ठीक, लेट एलोन माने अकेले छोड़ दो, मतलब तो दूर की बात है, मेन अर्थ इसके, लेट एलोन ऑफ रीडिंग होरेस एंड, मतलब उसे ग्रामर और लॉजिक पढ़ने का भी ना मौका नहीं मिला, होरेस और वर्जिल को पढ़ने तो दूर की बात है, ठीक ना। सी पिक्ड अप ए बुक नाउ, वह अब एक किताब उठा ली, नाउ एंड देन माने होता कभी कभी, नाउ एंड देन, वह कभी कभी एक किताब उठा लेती थी, पिक अप माने उठा लेना, वन ऑफ हर ब्रदर्स परहैप्स, ठीक है, शायद में अपने भाइयों की किताबों में से एक, शायद मैं अपने भाई की किताबों में से एक किताब क्या की है, उठा ली, एंड रीड ए फ्यू पेजेज, और ठीक है कुछ पेजे क्या कर ली, पढ़ ली। ठीक,
और कुछ किताबें पढ़ी। बट देन हर पेरेंट्स केम इन, लेकिन तभी उसके माता पिता आए, अंदर आए एंड टोल्ड हर, उसे कहे टू मेंट द स्टॉकिंग ऑर्नमेंट। ठीक है, तो फिर मतलब जो पढ़ने लगी थी तब उसके माता पिता आए और कहें, ठीक है, कि टू मेंट द, ठीक है, टू मेंट मतलब ठीक करना है, स्टॉकिंग्स वन होता है, मोजा होता है, लंबे मोजे होते हैं उनको स्टॉकिंग्स कहते हैं, कि मोजे को ठीक करें, मतलब मोजे को ठीक करना मतलब जो घरेलू कामकाज वहाँ होता था उसी को कहा गया, ठीक है ना, वो कार्य होता था। तो कह रहे कि टू मेंट द स्टॉकिंग्स का यहाँ मेन अर्थ होगा, ठीक है, मेंट वन होता ठीक करना, स्टॉकिंग मतलब होता उसे मोजे होते लंबे, तो मतलब यहाँ घरेलू कामकाज करें, कहे कि चलो पढ़ना लिखना बंद करो, घरेलू कामकाज करो, ठीक। एंड आर माइंड, अथवा ध्यान दो, माइंड मतलब ध्यान दो, द स्ट्यू, स्ट्यू मतलब होता है धीमी आंच में पकाना, ठीक है ना, स्ट्यू मतलब क्या होता है, धीमी आंच में पकाना, और मतलब कि वो तुम पकाने पर ध्यान दो, धीमी आंच में पकाना मतलब कोई भी मतलब भोजन वगैरह पकाया जा रहा है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है टू मेंट द स्टॉकिंग्स आर माइंड द स्ट्यू, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तुम घरेलू काम काज करो और भोजन पकाओ, ठीक, किताब उताब मत पढ़ो, एंड नॉट मूर, ठीक है। तो मूर अबाउट विद बुक्स जो है किताब में, ये मूर नहीं होना चाहिए, मून रहना चाहिए, क्लियर, ये टाइपिंग मिस्टेक है पूरा, कुछ किताबों में मून ही है, ठीक ना। तो मून अबाउट विद बुक्स मतलब मून अबाउट बुक्स मतलब किताबों में खोना, और किताबों में ही ना खोई रहो, ठीक, मून मतलब इसे किसी चीज़ में ध्यान लीन हो जाना, और किताबों में ही ना खोई रहो, एंड पेपर्स और पेपरों में, किताबों और पेपरों में ही ना खोई रहो, चलो घर का काम काज करो, भोजन पकाओ, ये सब कहने के। दे वुड हैव स्पोकन शार्पली, वे तीखा बोलते थे, शार्प मतलब क्या होता है, तीखा, वो तीखे ढंग से बोलते थे, क्लियर, बट काइंडली, लेकिन दयालुतापूर्वक, तीखे ढंग से किंतु दयालुतापूर्वक बोलते थे, क्लियर, मतलब बिगाड़ते थे लेकिन प्रेम से, ठीक। फार देवर सब्सटेंशियल, क्योंकि वे, फार मतलब क्योंकि, देवर सब्सटेंशियल, ठीक है, तो सब्सटेंशियल मतलब होता बुद्धिमान, क्योंकि वे बुद्धिमान थे, ठीक, ठीक, कैसे भाई किसी से बोलना चाहिए इतना जानते थे, ठीक। हु न्यू द कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर ए वुमन, जो औरत के लिए जीवन की दशा को जानते थे, कि औरत के जीवन की दशा के बारे में जो जानते थे, क्योंकि ये भाई औरत है, इसका लाइफ कैसा, एंड लव्ड देयर डॉटर इंडीड, और वास्तव में अपने पुत्री से प्रेम भी करते थे, क्लियर, कौन, जुडित के माता पिता। मोर लाइकली, मोर मतलब ज़्यादातर, लाइकली माने होता है होनहार, यहाँ होगा मतलब मोर लाइकली मानो अधिक होनहार थी, देन सी वाज, जितना की वह थी, ठीक है, मतलब वह अधिक होनहार भी थी, देन, ठीक है, देन नॉट सी, ठीक है, देन नॉट सी, जितना की वह नहीं थी, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा वो होनहार थी, ठीक। सी वाज द एपल ऑफ हर फादर्स आई, वह अपने पिता की आंखों का तारा थी, एपल ऑफ आई माने वेरी डियर, बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा होना, क्लियर, अपने पिता की आंखों का तारा थी मतलब बहुत प्रिय थी। परहैप्स सी स्क्राइबल्ड सम पेजेस इन द एपल ऑफ लव, परहैप्स मतलब होता है शायद में, सी स्क्राइब्ड, स्क्राइब्ड माने होता है लिखना, घसीट मार लिखावट जो होती है उसको स्क्राइब कहते हैं, क्लियर, लिखना, शायद में वह लिखी थी, सम पेजेस माने कुछ पेजेज, ठीक है, पेजेज अब आई एन एपल ऑफ लव, एप्पल, ठीक है, ऑफ लाफ्ट मतलब होता है सेब का मंचन, तो लाफ्ट माने अटारी होता है, तो एप्पल माने सेब का मंचन, क्लियर। ऑन द स्लाई, ठीक है, स्लाई माने होता है धूर्त, क्लियर, और धूर्त पर लिखी थी, ठीक है, शायद में वह एप्पल ऑफ लाफ्ट, ठीक है, सेब का मंचन, ठीक है, और ऑन द स्लाई, स्लाई मतलब धूर्त, धूर्त व्यक्ति पर लिखी थी, क्लियर। तो यहाँ पूरे का मतलब यही होगा, एप्पल एन एपल लाफ्ट ऑन द स्लाइक मतलब वही धूर्त व्यक्ति के ऊपर, क्लियर, वैसे शाब्दिक अर्थ होता है एपल लाफ्ट मतलब होता है, एपल ऑफ लाफ्ट माने सिर का मंचन होता है, लाफ्ट में अटारी होता है, क्लियर। तो लेकिन यहाँ पूरे का मतलब है धूर्त व्यक्ति, क्लियर, स्लाइक मतलब होता है धूर्त, तो यहाँ वही है स्क्राइब सम पेजेज ऑन अप इन एन एपल ऑफ
ऑन द स्लाइड। स्क्राइब अप मतलब होता है लिखना, का सीट मार लिखा। तो कहने मतलब वह धूर्त व्यक्ति के ऊपर कुछ पेजेस लिखी थी। बट वॉज केयरफुल टू हाइड देम, लेकिन वह उन्हें केयरफुल माने सावधान थे, टू हाइड देम उन्हें छिपा लेने के लिए, मतलब लेकिन वह सावधानी से उन्हें क्या की, छिपा ली। ठीक, आर सेट फायर टू देम, अथवा उन्हें क्या की, जला दी। ठीक, क्यों जला दिया, ऐसा की क्योंकि लोग सोचती थी कि आगे देख लेंगे, हम लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो बिगड़ेंगे फिर, कि तुमको लिखने पढ़ने के लिए मना किया गया, घर का काम करने के लिए कहा गया, क्लियर, इसलिए वो उनको छिपा लिया। ठीक, जला दी। सून माने शीघ्र, हाउ एवर माने फिर भी शीघ्र, बिफोर सी वाज आउट ऑफ टीन, ऑफ हर टीन्स, वह अपने टीन एज में होने से पहले, टीन मतलब तो किशोरावस्था। ठीक, 13 से लेकर 19 सभी के शब्द के अंत में टीन आया है, इसलिए 13 साल से 19 साल के व्यक्ति को हम कहते हैं टीनेजर। ठीक, तो टीन मतलब वही किशोरावस्था। तो अपने किशोरावस्था में होने से पहले सी वाज टू बी बेट्रोथ्ड, उसकी क्या कर दिया गया, सगाई कर दिया गया। बेट्रोथ्ड माने सगाई करना, इंगेज्ड, क्लियर, टू द सन ऑफ ए नेबरिंग वुल स्टैपलर, टू द सन माने पुत्र से, ऑफ नेबरिंग माने पड़ोस के। ठीक है, वुल स्टैपलर माने होता है ऊन का व्यापारी, वुल माने ऊन होता है, स्टैपलर माने क्या होगा, व्यापारी, क्लियर, तो ऊन के व्यापारी से, ठीक है, से इसकी क्या किए, के पुत्र से इसकी सगाई कर दिया गया था, उनका व्यापारी था, उसी के लड़के से इनकी सगाई कर दिया गया था। सी क्राइड आउट दैट मैरिज, क्राइड आउट मतलब वह उस शादी पर, ठीक है, क्राइड मतलब चिल्ला कर गई, दैट मैरिज वॉज हेटफुल टू हर, कि वह शादी उसके लिए क्या है, घृणापूर्ण है, मतलब वह चिल्ला कर गई कि वह उस शादी से नफरत करती है, मतलब शादी नहीं करना चाहती, क्लियर। एंड फॉर दैट, और उसके लिए सी वाज सीवियरली बीटन, और उसे उसके लिए उसे सीवियरली बीटन, सीवियरली माने कठोरतापूर्वक, बीटन माने पीटा भी गया, बाय हर फादर, उसके पिता द्वारा पीटा भी गया कि तुम क्यों नहीं शादी करोगे, शादी तय कर दिया गया तो तुमको करना पड़ेगा, क्लियर। देन ही सीज्ड, फिर वह सीज्ड माने बंद कर दी, यानी रोक दी, टू स्कोल्ड हर, स्कोल्ड हर माने उसे डांटना, फिर वह उसे डांटना बंद कर दिया, वह मतलब उसके पिता, ठीक है, उसको पीटे फिर डांटना बंद कर दिया। ही बेग्ड, ठीक है, हर, बेग्ड हर माने रिक्वेस्टेड हर, वह उससे प्रार्थना की, यानी उसके पिता ने उससे प्रार्थना किया, इन स्टेड माने इसके स्थान पर, नॉट टू हर्ट हिम, उसे चोट ना पहुंचाने के लिए, क्लियर, वह इसके स्थान पर उसे चोट ना पहुंचाने के लिए प्रार्थना भी की, क्लियर, प्रार्थना किए कि हाँ तुमको अब चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम शादी विवाह कर लो, क्लियर। हार्ट में चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, उसे नुकसान ना पहुंचाने के लिए उससे प्रार्थना भी की कि तुम शादी कर लो, ठीक है, और इससे तुम्हारा भला होगा, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि नॉट टू सेम हिम, नॉट टू सेम, सेम माने होता लज्जित होना, हिम माने उन्हें, और कहे कि वह उसे उन्हें लज्जित ना करें, मतलब इसके पिताजी जूडिथ के कहे, यानी शेक्सपियर के पिताजी लड़की से कहे कि तुम शादी कर लो, हमें लज्जित ना करो। हाँ, तो उसके पिताजी ने क्या कहा कि नॉट टू सेम हिम इन दिस मैटर, कि ऑफर मैरिज, मतलब अपने शादी के इस मामले में उन्हें जो है लज्जित ना करें, शादी कर लें और पिताजी को लज्जित ना करें, क्योंकि तय कर दिए हैं उसकी शादी तो कर लें। फिर कह रहे हैं कि ही वुड गिव हर ए चेन, फिर उसको लालच भी दिए उसके पिताजी कि अगर वह शादी कर लेगी तो ही वुड गिव हर ए चेन, तब वह उसे एक चेन देंगे, चेन मतलब चेन ऑफ बीड्स माने होता माला, बीड्स माने होता मनकों का दाना, चेन माने श्रृंखला, दानों की श्रृंखला यानी कि माला, हार, ठीक ना। फिर कहें कि तब वह उसे एक चेन ऑफ बीड्स देंगे, मतलब माला देंगे, हार देंगे, क्लियर, हार देंगे, आर ए फाइन पेटीकोट, अथवा एक सुंदर घाघरा देंगे, पेटीकोट का मतलब यहाँ क्या होगा, घाघरा, क्लियर, स्कर्ट। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा, एंड देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्लियर, पिताजी का, क्लियर, लड़की के प्रति कितना इमोशनल हो गए। और फिर कह रहे हैं कि हाउ कुड सी डिसओबे हिम, वह कैसे उनकी अवज्ञा कर सकती थी, डिसओबे माने अवज्ञा करना, कि भाई अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर लड़की कैसे मना कर सकती कि पिताजी हमारे कारण इतना लज्जित होंगे, शादी नहीं करेंगे, तो क्लियर, इसलिए वो अवज्ञा उनकी नहीं कर सकती थी, ठीक ना, कैसे उनकी अवज्ञा कर सकती थी। फिर कह रहे कि हाउ कुड सी ब्रेक हिज हार्ट, वह उनका दिल कैसे तोड़ सकती थी पिता का, क्लियर जुडित। फिर कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ हर ओन गिफ्ट, ठीक है, फोर्स
ठीक है, फोर्स माने मजबूरी, ऑफर ओन गिफ्ट उनके अपने उसके अपने उपहार का, एलोन माने अकेले ही, ड्रोव हर टू इट उसे इसकी तरफ ले गया, ठीक है, अपने अपने उपहार का फोर्स जो है मतलब बाध्यता या मजबूरी, ठीक है, अपने उपहार के प्रति फोर्स होकर वह मजबूर होकर अकेले वह इसकी तरफ ड्रोव माने ले जाना, क्लियर, उसके उपहार की मजबूरी उसे अकेले यहाँ तक ले गया। सी मेड अप ए स्मॉल पार्सल ऑफ हर बिलोंगिंग्स, सी मेड अप माने बना लेना, ए स्मॉल पार्सल माने होता गट्ठर, एक छोटा सा गट्ठर बना लिया ऑफ हर बिलोंगिंग्स माने होता वस्तुएं, अपने से जुड़ी वस्तुएं, क्लियर, जो भी उसकी वस्तुएं थी वही वो अपने सभी वस्तुओं का एक छोटा सा क्या बना लिया, गट्ठर बना लिया, गठरी बना ली, क्लियर। लेट हर सेल्फ डाउन, ठीक है, फिर क्या किए, लेट हर सेल्फ डाउन माने होता है स्वयं को नीचे तक ला दी, यानी कि नीचे उतरी, बाय ए रोप, रोप माने रस्सी, और एक रस्सी के सहारे क्या की, नीचे उतरी, लेट हर सेल्फ डाउन बाय ए रोप माने, और एक रस्सी के सहारे क्या की, नीचे उतरी, वन समर नाइट, एक ग्रीष्मकालीन रात को, ठीक है, जिसे छत से रस्सी के सहारे क्या की, नीचे उतरी, एंड टुक द रोड टू लंदन, और टुक माने अपना ली या चल पड़ी, द रोड माने सड़क पर, टू लंदन लंदन, और लंदन की सड़क की तरफ चल पड़ी, क्लियर। फिर कह रहे हैं सी वाज नॉट 17, वह 17 साल की भी नहीं थी, 17 साल की भी नहीं थी, द बर्ड्स माने वह पक्षी, दैट सैंग इन द हेज, ठीक है, जो हेज माने क्या होता है, झाड़ी, वुसेज हेज माने, ठीक है, झाड़ियाँ, वह पक्षी जो उन झाड़ियों में गाती थी, वर नॉट मोर म्यूजिकल, वह अधिक संगीतमय नहीं रह गई, दैन सी वाज जितना की वह थी, यहाँ लड़की को कहा गया है पक्षी, क्लियर। तो वही कह रहा है कि द बर्ड्स दैट सैंग इन द हिज वर नॉट मोर म्यूजिकल दैन सी वाज, वह पक्षी जो उन झाड़ियों में गाती थी वह भी, ठीक है, अधिक संगीतमय नहीं रह गई जितना की वह थी, क्लियर। कहने मतलब जब वो नहीं है तो वहाँ झाड़ियों में मतलब पक्षियों से तुलना भी किया गया लड़की की, कि मतलब पक्षियों में अब वो चली गई तो पक्षी भी वहाँ नहीं गा रही हैं, क्लियर, उनको भी तकलीफ हुआ कि भाई ये लड़की चली गई, क्लियर। तो मतलब एक हिसाब से वो पक्षी चली गई, जो गाना सुनी हो कि मैं तो एक चिड़िया हूँ मुझे उड़ जाना है, क्लियर, बाबुल का ये घर बहना दो दिन का ठिकाना है, तो इस तरह से ये भी क्या है, चली गई पक्षी, ठीक है, अब संगीतमय नहीं रह गया वहाँ का माहौल। तो फिर हाल वही कहा जा रहा है, सी हैड द क्विकेस्ट फैंसी, सी हैड द क्विकेस्ट फैंसी, उसके पास तेज फैंसी माने कल्पना थी, क्विकेस्ट माने होता तेज, सबसे अधिक तेज कल्पना थी, ए गिफ्ट लाइक हर ब्रदर्स, ठीक है, अपने भाई के जैसा गिफ्ट माने प्रतिभा, यहाँ होगा भाई के जैसी उसमें प्रतिभा थी, शेक्सपियर उसके भाई थे ना जुडिथ के, ठीक, काल्पनिक लड़की भले जुडिथ को माना गया लेकिन है तो भाई शेक्सपियर की ही बहन मानी गई है ना, तो उसमें कह रहा है कि गिफ्ट लाइक हर ब्रदर्स, उसके भाई के जैसे उसमें यानी जुडिथ में प्रतिभा थी, फॉर द ट्यून ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ट्यून माने होता लय, वर्ड्स माने शब्द, शब्दों का के लय में ढालने के लिए, शब्दों को लय में ढालने के लिए, क्लियर, फॉर माने के लिए, ट्यून्स माने लय, लय मतलब लय में ढालना, शब्दों को लय में ढालने के लिए उसमें क्या थी, प्रतिभा थी, क्लियर, मतलब ऐसे शब्द वो भी यूज करके लिख सकती थी जिस तरह से शेक्सपियर, लाइक हिम माने उन्हीं की तरह, सी हैड ए टेस्ट फॉर द थिएटर, उसमें भी टेस्ट माने होगा इंटरेस्ट, रुचि, फॉर द थिएटर माने रंगमंच, रंगमंच के लिए उसमें रुचि थी, सी स्टूड एट द स्टेज डोर, वह भी स्टेज के दरवाजे पर खड़ी थी, सी वांटेड टू एक्ट, वह कार्य करना चाहती थी, एक्ट माने अभिनय करना, एक्टिंग करना, सी सेड, उसने कहा कि वह भी भाई काम करना चाहती है, स्टेज के दरवाजे तक वो भी गई थी रंगमंच पर, भाई शेक्सपियर भी गए थे रंगमंच पर, ठीक है, वो नाटककार बने, क्लियर, पहले तो उसमें रोल भी करने लगे थे, स्टेबल कीपर थे, घुड़साल में जो है घोड़े को पकड़ने का काम करते थे, फिर जो है मतलब कि वो रंगमंच पे काम करने लगे, तो ये भी थिएटर में स्टेज पर गए थे और दरवाजे तक वह काम करना चाहते थे, उसने कहा वहाँ पर स्टेज के दरवाजे तक जाके कि मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैन लाफ्ड इन हर फेस, तब मनुष्य ने लोगों ने मतलब मनुष्यों ने लोगों ने जो वहाँ पर थे लाफ्ड हंसे इन हर फेस उसके चेहरे पर ही उसके चेहरे पर हंसे कि चले आए हो काम करने, क्लियर। फिर कह रहे हैं कि द मैनेजर, तो लेकिन जो मैनेजर था उस स्टेज की कंपनी का, क्लियर, नाटक की तो रंगमंच की का जो मैनेजर था प्रबंधक था इफाइट, वह एक मोटा आदमी था, लूज स्लिप्ड माने होती क्या होता, भद्दा आदमी, क्लियर,
तो थोड़ा सा भद्दा आदमी था वो, मैन लूज लिप मैन, मतलब भद्दा आदमी था। गफोर्ड, गफोर्ड माने होता है ठहाका लगाना, वो अभी ठहाका लगाया, क्लियर, ठहाका लगा के रहा सर। ही बिलोड समथिंग, ठीक है, बिलोड माने होता है जोर से चिल्लाना, समथिंग माने कुछ, वह जोर से कुछ चिल्लाया अबाउट पूडल्स, पूडल्स माने होता है कुत्ता, क्लियर। तो कुत्ते की एक बात मतलब होता है, जाति भी होती है उसको पूडल कहते हैं, मतलब कुत्तों के बारे में। डांसिंग माने नाचना, क्लियर। तो कुत्तों के नाचने के बारे में कुछ कह के जोर से क्या किया, चिल्लाया, ठीक है ना। एंड वोमेन और औरतें, एक्टिंग माने कार्य करना, ठीक है। कुत्तों के नाचने के औरतों के कार्य के बारे में कुछ कह के वो क्या किया, जोर से चिल्लाया। नो वोमेन ही सेड, उसने कहा कोई औरत नहीं, कुड पॉसिबली बी एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री, उसने कहा कि कोई भी औरत अभिनेत्री नहीं बन सकती है, क्लियर। अब होता क्या था कि शेक्सपियर के समय में मतलब ये औरत को अलाउ नहीं था, ठीक, मतलब एक्टिंग करना। शेक्सपियर के ज़्यादा से ज़्यादा नाटकों में पुरुष ही औरत का भी रोल किए हैं, था ठीक है ना, ठीक। पुरुषों को ही मतलब कि पुरुष ही ज़्यादातर रोल किए हैं, इसलिए कुछ स्त्रियां भी पुरुष का रोल की हैं, ये ऐसा देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया पुरुष के वेश में गई थी वकालत करने, क्योंकि शेक्सपियर के समय में पुरुषों को वकालत करने का ही अधिकार था, औरतों को अधिकार नहीं था वकालत करने का, क्लियर। इसलिए शेक्सपियर खुद में मर्चेंट ऑफ वेनिस में खुद गई थी पोर्सिया वकालत करने, तो मतलब उस समय औरतों को जो है अधिकार नहीं था वकालत करने का, क्लियर। अब अधिकार बाद में हुए सब। तो फिलहाल यहाँ जो बात किया जा रहा है कि वो एक्टर कह रहा था उसी तरह से कि कोई भी औरत जो है एक्ट्रेस नहीं बन सकती, अभिनेत्री नहीं बन सकती, क्लियर, उसके रंगमंच में। मतलब फिर कह रहा कि ही हिंटेड, वह उसने इशारा किया, यू कैन इमेजिन व्हाट, तुम कल्पना कर सकती हो कि क्या होगा, क्लियर। तो मतलब फिलहाल यहाँ स्टेज पर ऐसा कुछ बाध्यता नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कहा, ये नहीं थी कि पुरुषों की इतना वकालत केवल पुरुष ही कर सकते हैं, क्लियर, औरत नहीं कर सकते, ऐसा बाध्यता नहीं था, लेकिन वो क्या कि हंसा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा भ्रष्ट आदमी था, क्लियर, इसलिए ऐसा कह रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। तो मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट, तुम कल्पना कर सकती हो कि क्या हो, क्या बात है। सी कुड गेट नो ट्रेनिंग इन हर क्राफ्ट, सी कुड गेट नो ट्रेनिंग, वह कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, ट्रेनिंग मैंने प्रशिक्षण, ठीक है, इन हर क्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट माना होता कुशलता, अपनी कुशलता के लिए वह कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, क्लियर। कुड सी इवन सीक हर डिनर, कुड सी इवन सीक हर डिनर, क्या वह अभी अपने डिनर की तलाश कर सकती थी, डिनर मतलब शाम का भोजन, रात का भोजन। इन ए टावर्न, टावर्न माना होता सराय, सराय मतलब धर्मशाला होता है, ठीक है, और सराय यह धर्मशाला, क्या वह अपना भोजन एक सराय में ले सकती थी। आर रोम द स्ट्रीट्स एट मिडनाइट, ठीक है, तो सराय या धर्मशाला या शराब खाना भी होता है इसे टावर्न माने। आर रोम द स्ट्रीट्स एट मिडनाइट, अथवा आधी रात को सड़कों पर घूम सकती थी, स्ट्रीट्स माने गली या सड़क, क्लियर, मतलब एक औरत होके क्या वह अपना भोजन सराय में कर सकती थी या आधी रात को गलियों में घूम सकती थी। एट, फिर भी कहने वाला वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक, रिटोरिकल क्वेश्चन है। एट हर जीनियस वाज फॉर फिक्शन, फिर भी उसकी जीनियस माने प्रतिभा वाज थी फॉर फिक्शन माने, फिक्शन माने होता है उपन्यास, क्लियर, काल्पनिक कहानी या उपन्यास, फिर भी उसकी प्रतिभा जो है काल्पनिक कहानी लिखने में थी। एंड और लस्टेड टू फीड एबंडेंटली अपॉन द लाइफ्स ऑफ मैन, ठीक है, एंड लस्टेड, क्लियर, और लस्टेड माने वह लिखना चाहती थी, लस्टेड टू फीड माने वह तो लिखना चाहता, क्लियर, लस्ट माने अभिलाषा करना होता है, फीड माने खिलाने, खिलाने की अभिलाषा करना मतलब यहाँ लिखने से है, ठीक, लस्टेड टू फीड माने वांट टू राइट, वह लिखना चाहती थी। एवर्डेंटली माने प्रचुर मात्रा में, अपॉन द लाइफ ऑफ मैन एंड वोमेन, पुरुषों और स्त्रियों के जीवन पर वह प्रचुर मात्रा में लिखना चाहती थी। एंड द स्टडी ऑफ देयर वेज, और अपने ढंग से वह अध्ययन भी करना चाहती थी। एट लास्ट, अंत में, फार सी वाज वेरी यंग, क्योंकि वह बहुत यंग माने छोटी ही थी, क्लियर, ओडली लाइक शेक्सपियर, ठीक है, ओडली, ओडली मतलब विचित्र तरीके से, लाइक शेक्सपियर माने शेक्सपियर के जैसे, द पोएट माने कवि, इन हर फेस, ठीक है, फेस माने चेहरा, उसमें शेक्सपियर के जैसे कवि का चेहरा भी दिखाई पड़ता था, क्लियर, यद्यपि उनसे वो
पद प्रतिष्ठा में थोड़ा छोटी थी, ठीक है, लेकिन और उसमें शेक्सपियर जैसा चेहरा दिखता था, मतलब कारण मतलब वो शेक्सपियर से छोटी थी लेकिन उसका चेहरा शेक्सपियर जैसा था। विद द सेम ग्रे आइज, वैसे ही उसकी ग्रे आइज माने भूरी आंखें, ग्रे आइज माने भूरी आंखें शेक्सपियर की जैसे, ठीक है, वैसे उसकी भूरी आंखें थी। राउंडेड ब्रोज, राउंडेड माने गोलाकार, ब्रो माने क्या होता है, भाव, क्लियर, भाव थी। एट लास्ट अंत में निक ग्रीन, ठीक है, निक ग्रीन ये नाम है, काल्पनिक नाम बता दिए गए हैं। द एक्टर मैनेजर, एक्टर माने अभिनेता, मैनेजर माने प्रबंधक। अंत में निक ग्रीन जो अभिनेता मैनेजर था, टुक पिटी ऑन हर, उस पर दया दिखाया। टुक पिटी माने तरस खाना, क्लियर, उस पर उसको तरस आ गया, क्लियर, पिटी माने दया भी होता, तरस या दया, वो दया उस पर उसको तरस आ गया या वह उस पर दया दिखाया। सी फाउंडेड हरसेल्फ, सी फाउंड हरसेल्फ, तो वह स्वयं को पाई विथ चाइल्ड, बच्चे के साथ, बाई दैट जेंटलमैन, उस सज्जन आदमी के साथ, क्लियर, कि मतलब वह उस सज्जन आदमी के साथ स्वयं को मतलब बच्चे के साथ पाई, मीन्स वह उस सज्जन आदमी के द्वारा गर्भवती हो गई, कौन, जुडित, क्लियर। एंड सो, और इसीलिए हु शैल मेजर द हीट एंड वॉयलेंस ऑफ पोएट्स हार्ट, हु शैल मेजर, कौन माप सकता है, मेजर माने मापना, द हीट एंड वायलेंस माने होता है उत्तेजना, उत्तेजना को आप द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय की, इसलिए कवि के हृदय की उत्तेजना को कौन माप सकता है, कहने का मतलब वो मैनेजर भी जो है भ्रष्ट आदमी था, क्लियर, तो इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तब इसको काम पे रखा, ठीक ना, तो जिसके द्वारा वो प्रेग्नेंट हो गई, क्लियर, इस तरह से इसके लिए और भी मुश्किल बढ़ गई, क्लियर, विदाउट एन मेरिट, क्लियर। फिर कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि कौन, हु शैल मेजर द हीट एंड वायलेंस ऑफ द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय की उत्तेजना को अब कौन माप सकता था। वेन काट एंड टैंगल, काट माने उलझ जाना, टैंगल माने वही उलझना या फंसना, ठीक है ना, जकड़ना होता टैंगल माने, जब वह उलझी और जकड़ी हुई थी इन ए वुमेन्स बॉडी, एक औरत के शरीर में, जो मतलब उस औरत के शरीर में, ठीक है, उलझा और जकड़ा हुआ था, उसकी उत्तेजना को कौन नाप सकता था, क्लियर, कहने मतलब उसके शरीर में जो बच्चा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसकी, ठीक है, भावनाओं को कौन समझ सकता है, क्लियर, उसके शरीर में जो जकड़ा और उलझा हुआ है, ठीक। किल्ड हरसेल्फ, तो कह रहा है कि वह स्वयं को इसलिए क्या किए, किल्ड माने मार दी, आत्महत्या, किल्ड हरसेल्फ माने स्वयं को मार दी, मतलब मीन्स सी कॉमिटेड सुसाइड, वह क्या कर ली, हत्या कर ली, किल्ड हरसेल्फ माने जुड़ी स्वयं को की आत्महत्या कर ली। वन विंटर्स नाइट, एक जाड़े की रात को। एंड लाइज बरीड, लाइज बरीड माने दफना दिए। एट सम क्रास लीड्स, क्रास लीड्स माने होता, क्रास रोड्स माने होता चौराहा, और किसी चौराहे पर ही उसको क्या क्या किया गया, दफना दिया गया, क्लियर, क्रॉस रोड जहाँ से सड़कें पार करती हैं आर पार, तो वहीं चौराहे के पास उसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। वेयर द ओमनीबस, ओमनीबस माने होता छोटी गाड़ियाँ, जो ओमनीबस मतलब जो छोटी छोटी बसें होती हैं, गाड़ियाँ, उसको ओमनीबस कहते हैं, जिसको मिनी बस कहते हैं ना कुछ लोग, क्लियर, तो ओमनीबस जहाँ से छोटी गाड़ियाँ, नाउ स्टॉप आउटसाइड, स्टॉप माने रुकती हैं आउटसाइड बाहर की तरफ, एलिफेंट एंड कौसल, ये नाम है, क्लियर, वहाँ चौराहे का नाम रहा होगा, क्लियर, जहाँ पर एलिफेंट और वैसे कासल माने महल होता है, लेकिन यहाँ एलिफेंट एंड कासल, जहाँ एलिफेंट और कासल के बाहर के स्टॉप पर छोटी छोटी गाड़ियाँ रुकती हैं, वहीं पर उसको क्या किया गया, दफना दिया गया, क्लियर। दैट मोर आर लेस, ठीक है, दैट मोर आर लेस, अधिक या कम, कह रहे हैं कि इसीलिए कि अधिक या कम, इज हाउ, दैट इज हाउ, मतलब यही कारण है कि, यही इस प्रकार से, मोर आर लेस माने अधिक या कम, अधिक या कम मात्रा में, दैट इज हाउ, इसी कारण से द स्टोरी वुड रन, स्टोरी वुड रन माने ये कहानी चलेगी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ ए वुमेन इन शेक्सपियर सेड, यदि कोई औरत, यानी कि अधिक या कम मात्रा में, मैं सोचती हूँ, मतलब ये वर्जीनिया वुल्फ कह रही है, क्लियर, कि मैं सोचती हूँ कि अधिक या कम मात्रा में इसी तरह से कहानी चलेगी, इफ ए वुमेन इन शेक्सपियर सेड, यदि कोई औरत इन शेक्सपियर हैड, हैड जैसे, यदि शेक्सपियर के जमाने में हैड, शेक्सपियर हैड मतलब एक हैड साक्रिय, एक हैड पास के अपने, शेक्सपियर जीनियस, शेक्सपियर के जैसी प्रतिभा हो, क्लियर, हैड मतलब रखना, एक हैड साक्रिय, एक हैड रखना, यदि शेक्सपियर के जमाने में किसी औरत के पास ऐसी शेक्सपियर के जैसी प्रतिभा हो, जो शेक्सपियर जैसी प्रतिभा रखती हो, क्लियर, उसके साथ ऐसे ही होगा। बट फॉर माई पार्ट, कह रहे कि बट फॉर माई पार्ट, लेकिन इसका मेन अर्थ होता है जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ, पार्ट माने हिस्सा, जहाँ तक कि मेरे हिस्से की बात है, कहने मतलब बट फॉर माई पार्ट मीन्स आई
एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोचती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ। आई एग्री विद द डिक्रीज्ड विषम, आई एग्री माने मैं सहमत हूँ विद द डिक्रीज्ड, डिक्रीज माने होता मृत, सॉरी डिक्रीज्ड नहीं है, ये डिसीज होना चाहिए, आर फालतू लग गया है, क्लियर, डिसीज्ड विषम, क्लियर, कि मृत विषम, विषम मतलब पुजारी होता है, क्लियर। इफ सच ही वाज, यदि वह ऐसा ही था, इट इज अनथिंकेबल दैट, तो या अनथिंकेबल दैट मतलब सोचने से परे है, क्लियर, यह सोचा नहीं जा सकता है कि, ठीक है। अब देखिए कुछ किताबों में डिक्रीज्ड दे दिया, कुछ में डिसीज्ड है, तो डिसीज्ड होगा मृत पुजारी बिशप। जैसे आर के बिशप का नाम सुने होंगे तो वो मतलब कि मर्डर इन कैथेड्रल में है, तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, वो देश की अच्छाई के लिए मरे थे। तो इस तरह से कुछ वर्णन किया जा रहा कि मैं सहमत हूँ कि ये मृत पुजारी, इफ सच ही वाज, यदि वह ऐसा ही था, इट इज़ अनथिंकेबल दैट, तो उसके बारे में यह सोचने योग्य भी नहीं है कि एनी वोमेन, कोई भी औरत इन शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के नाट के डे में, शेक्सपियर्स डे, शेक्सपियर के दिनों में कोई औरत शुड हैव हैड शेक्सपियर्स जीनियस, ठीक है, के पास जो है शेक्सपियर की जैसी प्रतिभा थी, क्लियर। तो ऐसा कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब यह है, कोई भी नारी जो शेक्सपियर की ऊंचाइयों वाली साहित्य मनीषी नहीं बन सकी है, क्लियर, शेक्सपियर के समय में किसी भी नारी के पास शेक्सपियर की जैसी प्रतिभा नहीं थी, क्लियर। तो इस तरह से ये कविता, सॉरी ये लेसन जो है आपका प्रोज खत्म हो गया, अब बचे हैं आपके पोएट्री के पार्ट, एक पार्ट पढ़ाया गया, बाकी पार्ट आपको कल से मिलेगा, ठीक है, इसको पढ़ाया जाएगा, उसकी वीडियो बनेगी, आपको मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और एक अच्छी तैयारी कर सके BA 3rd ईयर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।